morning. मैं सुरेश कौल अमनदीप हॉस्पिटल पठानकोट से हार्ट स्पेशलिस्ट ऑफ स्टाफ और पिछले कुछ महीनों में टू थ्री मंथ्स वी हैव रिसीव सम हार्ट फेलियर्स इन प्रेगनेंसी और कुछ लोगों कुछ महिलाओं ने जिन्होंने जिनकी प्रेगनेंसी फर्स्ट टाइम नहीं की अभी वी कुड नॉट सेव देम तो मेरा आई जस्ट वॉन्टेड टू पास ऑन दिस मैसेज टू ऑल दोस लेडीज जो पहली बार प्रेग्नेंट होती हैं या जिनको ट्विन प्रेगनेंसीज हैं दो दो बच्चे हैं तो असल में होता क्या है हार्ट फेलियर होने का होने के बहुत कारण है वैल्वुलर हार्ट डिजीज बाल में दिक्कतें हैं या मसल हार्ट के मसल में दिक्कतें हैं वो में मगर जो सबसे कॉमन है जो बहुत मिस होता है वो है दिल का साइज बड़ा होना उसकी पंपिंग की जो क्षमता है वो कम हो जाती है एंड अब अनफॉर्चुनेट पार्ट क्या है कि ये जो लेडीज हैं जब ये चौथे पांचवें महीने में जाती हैं और इनको सांस फूलना शुरू होता है तो इट इज एट्रीब्यूटेड टू प्रेगनेंसी उसको बोलते हैं या वेट गेन हो गया प्रेगनेंसी का तो उसी की वजह से सांस फूलते हैं क्योंकि दो दो जीवन बन गए अब होता क्या है जब व्हेन देयर इज अनदर लाइफ इनसाइड यू द लेडी तो ये दो ब्लड वॉल्यूम चलने से दिल का साइज नॉर्मली बड़ा होता है मगर कुछ लेडीज का कुछ कारणों की वजह से हार्ट के ऊपर लोड ज़्यादा पड़ता है और ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होता है मसल ज़्यादा वीक हो जाता है उसमें वायरल इन्फेक्शन इम्यून रिलेटेड डिजीजेज या स्ट्रेस एंड लाइफ स्टाइल जो आजकल है हमारा तो इन चीज़ों की वजह से दिल डायलेट होकर फिर उसकी जो मसल है इतनी वीक हो जाती है कंट्रैक्ट नहीं कर पाता तो अगर किसी भी लेडी को जो प्रेगनेंट है और स्पेशली दोज लेडीज का फर्स्ट प्रेगनेंसी है या ट्विन प्रेगनेंसीज है दो जीवन पनप रहे हैं अंदर या प्रेजेंटेशन जैसे बच्चों की पोजिशन अलग अलग है इनको हम हाई रिस्क प्रेगनेंसीज बोलते हैं तो इन लोगों को अगर सांस फूले रात में खांसी आए या चलने से पहले थकते नीचे थक जाए तो प्लीज अपने गायनेकोलॉजिस्ट से बोलें कि किसी हार्ट स्पेशलिस्ट से चेकअप करें अब इवन अ फिजिशियन कैन चेक इट आउट इसमें क्या है वो पहले आपके स्टेथोस्कोप से चेक करेंगे फिजिशियंस के ऊपर मैं आई वांट टू टेल कि केयरफुल ऑस्कल्टेशन और कुछ साइंस हैं जो आप एलिसिट कर सकते हो बाय पुटिंग योर स्टेथोस्कोप ऑन द चेस्ट एंड द लंग्स एंड लिसनिंग टू द साउंड्स ऑफ द हार्ट वहाँ से बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएगी तो डायग्नोज करें एक्सरे यूजली हम नॉर्मल पेशेंट्स में करते हैं मतलब प्रेगनेंसी में ये एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि हम एक्सरेज अगर कर पाते क्योंकि हम बच्चे को बचाना चाहते हैं नॉर्मली से तो एक्सरेज आर नॉट अलाउड तो अदरवाइज तो हार्ट इंक्रीज हार्ट साइज आप एक्सरे से पकड़ लेते तो जैसे ही आपको ये चीज़ें प्रॉब्लम्स होती हैं एक्सरे हम कर नहीं पाएंगे तो आप अपने हार्ट स्पेशलिस्ट से मिलें या फिजिशियन से मिलें और अपने आप टेक दीज सिम्टम्स वेरी सीरियसली तीन चीज़ें मैंने बताया सांस फूलना चलने से थकना रात को खांसी आना और दो कदम होने पर पहले नहीं होता था अगर आपकी सांस फूल रही हो ये क्या है इट विल सेव जब सबसे ज़्यादा स्ट्रेस तब होने वाला है जब डिलीवरी होगी तो उसी वक्त है मैक्सिमम हार्ट फेलियर्स होते हैं एंड इफ दे आर नॉट अगर हम उनको पहले ही पिक कर ले और पहले ही ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो मोर्टैलिटी जो डेथ रेट है वो 50% से कम हो जाती है डिक्रीज इड बाय हाफ सो प्लीज टेक इट सीरियसली इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट ऑल प्रेगनेंट वुमेन और उनकी जो फैमिलीज हैं कि ब्रेथलेसनेस सांस फूलने को प्रेगनेंसी को लाइटली ना लें तो ये हम हमेशा प्रेगनेंसी की वजह से नहीं होता ये और भी कारण है और हम काफी बच्चों को यदि होने से बचाएंगे इफ वी टेक दीज थिंग्स वेरी सीरियसली थैंक यू सो मच एंड विशिंग ऑल द प्रेग्नेंट वुमेन हैप्पी मंथ थैंक यू